हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा काला की डिटेल रिव्यू के बारे में। जी हां, मॉर्निंग में मैंने आपको इसका ब्रीफ रिव्यू दिया था करीबन दो मिनट तक का, उससे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आया। एनीवेज मैं अपना डिटेल रिव्यू देता हूं जिसे हमेशा की तरह देता हूं, और मुझे आज दिन भर वक्त नहीं मिल पाया प्रॉपर तरह से, इसलिए मैं इसका डिटेल रिव्यू नहीं दिया, इसलिए अभी दे रहा हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए। लेकिन हाँ, फिल्म मैंने सुबह ही देखी थी और करीबन 2 घंटा 39 मिनट की फिल्म है, 2 आवर्स 39 मिनट्स की फिल्म है। बड़ी फिल्म है, अच्छी खासी फिल्म है। बहुत कुछ इस फिल्म के बारे में जो मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला। सबसे पहले आपको बता दूं, ये तमिल लैंग्वेज में पूरी फिल्म थी। मुझे तमिल नहीं समझ में आता है, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर कहूँ कि मुझे कम से कम फिल्म काफ़ी हद तक समझ में आ गई, तो आई थिंक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली सही बोल रहा हूँ। क्योंकि इसका जो कुछ सेंट्रल कैरेक्टर से मैं चलिए बात कर लीजिए कर लेते पहले। यहाँ पे रजनीकांत है, काला या फिर कलाईकरण, यानी कि ये आई थिंक साउथ मुंबई से आया, साउथ इंडिया से आया है मुंबई में अपने पिता के साथ। उसके बाद मुंबई में बस जाता है धारावी स्लम में, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा फाइट वगैरह होता है उसका, जो भी हो यहाँ पर मतलब बॉस बन जाता है, ठीक है। धारावी का दादा बोलते ना, काला बन जाता है रजनीकांत, ठीक है। मैं पूरा स्पॉइलर कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बेसिक सा बताऊंगा जो आई थिंक बेसिक सा आपको ट्रेलर में ही दिख गया होगा। अब यहाँ पर चीजें होती है कि नाना पांडे का इस फिल्म में हरी दादा का रोल निभाया, जो एक पॉलिटिशियन है जो हारना बिल्कुल नहीं जानते और जिसकी नजर रहती है धारावी की जमीन पर, जहां पे रजनीकांत लोगों के मसीहा बने रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हुमा कुरैशी भी है इस फिल्म में, और हुमा कुरैशी का एक इंटरेस्टिंग सा एंगल है, और हुमा कुरैशी का थोड़ा लव इंटरेस्ट है रजनीकांत का, हुमा कुरैशी से कुछ है, ठीक है। तो वो फिल्म देखेंगे तो समझेगा आपको। और यहाँ पर और आई थिंक कौन, हाँ, पंकज त्रिपाठी भी है जो पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में है, और अंजलि पाटिल, जी हाँ, मराठी एक्ट्रेस है जिन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है अंजलि पाटिल ने। और ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। चलिए अब स्टोरी के बारे में नहीं बात करूंगा मैं, स्टोरी लगभग ट्रेलर से भी आपको पता होगा, यानी गुड वर्सेस बैड यही है कि रजनीकांत वर्सेस हरिदादा की स्टोरी है पूरी, ठीक है, इतना बेसिक समझ आइए। अब यहाँ पर मैं ये सब चीज़ों को छेड़खानी नहीं करने वाला, क्योंकि स्टोरी रिवील हो जाएगी तो मुझे खुद को बुरा लगेगा, तो वो नहीं बताने वाला हूँ किसी को भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रजनीकांत की एंट्री कमाल की है, और मैंने पहली बार देखा है तमिल फिल्म, और मैंने पहली बार ये नोटिस किया कि रजनीकांत की एंट्री पर जो तालियां बजती है और जो सीटियां बजती है वो कमाल का होता है, वो मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद रजनीकांत का जो स्वैग है, पूरा चश्मा पहनने का ढंग, थोड़ा सा चलने का, उसके बाद कुछ कुछ सीन्स में जब वो लुंगी थोड़ा सा ऊपर करके ऐसा बांधते तो पब्लिक की जो सीटी बजती है और जो उनका देखने का अंदाज है एकदम ऐसा, तो वो एकदम कमाल का, आई थिंक वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जो स्क्रीन पर वो जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरी स्क्रीन उन्हीं की है, वो ही डिजर्व करते हैं, कोई और डिजर्व नहीं करता है। कुछ सीन्स जो मुझे बहुत बहुत यानी कि आउटस्टैंडिंग लगे, वो सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ इक्के दुक्के सीन, एक फाइटिंग सीन है स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग मतलब आधे पौने घंटे के बाद आई थिंक, एक फाइटिंग सीन है बारिश में भीगते हुए, वो फाइटिंग सीन बहुत कमाल का है। मुंबई के मरीन लाइन्स के यहाँ के एक ब्रिज पर फिल्माया गया है वो फाइटिंग सीन, रजनीकांत का छाता को लेकर, छाते लेकर, जो कमाल का है। स्लोमो, फास्ट एक्शन, वो बारिश का सीन बहुत कमाल लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वन ऑफ माय फेवरेट सीन है इसमें। और मैं क्लाइमेक्स के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, और लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कई सारे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले हैं, कई सारे कमेंट्स ऐसे हुए कि कई लोगों ने कहा है कि बाहुबली में 2 में अगर आपने देखा होगा तो कई सारे सैनिक जो पेड़ से ऐसे उड़ के जाते हैं, फिर है ना हवेली के ऊपर जाके गिरते हैं, तो उस तरह का जो अजीब गरीब सीन्स था, उस तरह के सीन्स को अगर आपको देखने की आदत है तो उस तरह का कहीं ना कहीं सीन इसके क्लाइमेक्स में भी मिलेगा काला के, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं, इसका क्लाइमेक्स वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स में से एक है, और वो मैं आज बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, करीबन एक हफ्ते बाद अगर बताऊंगा तो बताऊंगा वो भी डिटेल के साथ। लेकिन फिलहाल इतना ही कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेक्स है इस फिल्म का। इस फिल्म ने मेरी फिल्म देखने की जो भूख है वो मिटा दी है। रजनीकांत का जो प्रेजेंस है वो समझ चुका हूँ मैं कितना स्ट्रांग है। मैं मुंबई में था और 35-40% ऑडियंस इस फिल्म को साथ में देख रही थी। सुबह का शो था भाई साहब, सुबह का 6 बजे के आसपास का शो, मैं आपको लिटरली बता रहा, मैंने इतना सुबह कभी शोज नहीं देखा, लेकिन मुझे वो देखना था, वो पब्लिक का एक्साइटमेंट देखना था। और जब सीटियां बज रही थी, जो एक्शन हो रहा था, जो मारधाड़ हो रहा था,
कमाल का है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस फिल्म की, जो इस फिल्म को बहुत ही स्ट्रांगता से बांधे रखती है, कि पहली बार रजनीकांत को उनके टक्कर का विलन मिला है। जी हाँ, नाना पाटेकर वर्सेस रजनीकांत के बीच में जो फेस ऑफ होता है, जिस तरह से बोलते हैं द्वंद युद्ध या फिर जिस तरह से शब्दों के युद्ध होते हैं, वो कमाल का है। वो आपको आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लगेगा इस पूरी फिल्म में, और बहुत एक्साइटिंग लगा। और एक सीन और है, मालधड़ का पूरा सीन है, और मालधड़ का सीन बहुत अच्छी तरह से पता फिल्माया गया है। यानी कि नाना पाटेकर के घर पर कोई पूजा वूजा होती है, तो राम और रावण की कहानी एक गुरुजी बताता रहता है, तो राम और रावण की कहानी चलती रहती है बैकग्राउंड में, आवाज आती रहती है राम और रावण की कहानी, और यहाँ पे फाइट होता रहता है दो ग्रुप्स के बीच में। तो वो सीन बहुत बढ़िया तरह से फिल्माया गया है। बहुत सारे सीन्स हैं आपको जो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन हाँ, फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट भी है जो आपको आपका दिल जोर तोड़ देगी, लेकिन हाँ, यहाँ पर इतना साफ है कि ये फिल्म एक अच्छा आई थिंक मैसेज देती है। और जिस तरह से मैंने देखा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो हम कहते हैं, धारावी में हर तरह के लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं, जो उनको उस तरह से दिखाया, वो बहुत अच्छा, क्योंकि इस फिल्म में ज्यादातर आपको फील्ड के सीन दिखाई देगा, घर के अंदर का सीन नहीं, बाहर का लोकलिटीज दिखाई देगा। और इस फिल्म में बहुत अच्छा रैपिंग वगैरह भी की गए है कुछ लड़कों द्वारा, तो यानी कि हर तरह के एज ग्रुप को देखते हुए इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से पिरोया है। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहता हूँ दो बड़ी एक्ट्रेस की, हुमा कुरैशी और अंजलि पाटिल, दोनों ने इस फिल्म में जान फूंक दी है, और मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। और नाना पाटेकर जैसे मेरे फेवरेट है, तो उनके बगैर बताए बगैर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ उनके बारे में, बस इतना ही कहना चाहता हूँ उनके स्टार्टिंग से सीन से लेकर एंड तक सीन तक, जिस तरह से वो अपने करेक्टर को बिल्डअप करते हैं, यानी कि बिना बोले ही बहुत कुछ बोल जाना, तो ये नाना पाटेकर अकेला कर सकते हैं। और जब दो जंगली शेर मिलते हैं, आपस में भिड़ते हैं, तो क्या अंजाम होता है, तो वो इस फिल्म में आपको इन दोनों को देखकर मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। अब अगर एडिटिंग के बारे में कहूँ, श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग कमाल की है, लाजवाब है, और एडिटिंग में नंबर 5 में से 5 में इसे कह सकता हूँ। और यहाँ पर अगर बात करूँ म्यूजिक की, संतोष नारायण का म्यूजिक है, रजनीकांत की एंट्री से लेकर जो टेंशन वाला जो टाइम होता है जब रजनीकांत और नाना पाटेकर का, तो जो म्यूजिक रहता है बैकग्राउंड, वो कमाल का है। और जो रोमांटिक सॉन्ग का काफ़ी हद तक जो फिल्माया गया है हुमा कुरैशी और रजनीकांत के ऊपर, तो वो बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक वगैरह दिया गया, तो मेरे ख्याल से स्लो मोशन बारिश हो रही है रजनीकांत है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स लगे मुझे बारिश के। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ सिनेमेटोग्राफी के बारे में, मुरली जी ने बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी किया है, यानी कि फिल्म को शॉट बहुत अच्छी तरह से किया है, धारावी का हर एक लोकेशंस दिखा दिए है इस फिल्म में, और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट तरह से दिखाया गया। कुछ कुछ चीज़ ऐसे है कि जो आई थिंक आपको लगे कि फिल्म से ताल्लुक नहीं करते, जो नॉर्मल लाइफ होती है ना हमारी, सुबह उठ रहे कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो वो बेसिक कैमरा एंगल जो एक रहता है ना, वो भी दिखाया गया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल मुझे ये फिल्म अच्छी लगी है, और डिटेल्ड में भी मैं यही कहूँगा कि हर एक एस्पेक्ट को मिला के मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा, और ये फिल्म कमाल की है। और ये फिल्म ज़रूर पहले दिन थोड़ा बहुत मिक्स रिस्पॉन्स ज़रूर मिला हो, लेकिन इसका जो रिव्यू है बहुत पॉजिटिव है। सेकेंड डे थर्ड डे उसके बाद आप देखना, मतलब सेकेंड डे से कमाल के कलेक्शंस होंगे इस फिल्म के, ऐसा मुझे लगता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए कल कितना ही।